हेलो, आई एम हिमांशी वर्किंग इन गणेश डायग्नोस्टिक एज एमआरआई टेक्नीशियन। आज हम बात करेंगे एमआरआई रिस्ट के बारे में। हमें एमआरआई रिस्ट क्यों कराना चाहिए? अगर पेशेंट को किसी प्रकार का कलाई में दर्द, सूजन या गिरने से झटका लग जाना, चोट आ जाना, सूज जाना या किसी प्रकार का हाथ में इन्फेक्शन हो जाना, बोन में इन्फेक्शन हो जाना या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन, वेट लिफ्टिंग करते हुए हाथ में झटका आ जाना, स्पोर्ट्स इंजरी एंड एट्सेट्रा, अगर किसी पेशेंट को इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो एमआरआई रिस्ट करा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं एमआरआई रिस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। अब हम पेशेंट से सबसे पहले कंसेंट फॉर्म फिल कराते हैं। हम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेके पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में, मतलब पेट के बल लिटाकर पेशेंट की पोजीशन करते हैं। ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। ये पेनलेस और एक सेफ प्रोसीजर होता है। इसके बाद हम पेशेंट को बाहर निकालते हैं। पेशेंट आराम से घर जा सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को पेशेंट की रिपोर्ट का टाइम बता देते हैं। अगर कुछ क्रिटिकल होता है तो पेशेंट को रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी पेशेंट को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपना MRI रिस्ट स्कैन करा सकते हैं। थैंक यू।